नमस्कार दोस्तों पूजा हिक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है आपके घर के मंदिर में जलाया गया दीपक किस प्रकार से आपकी सभी समस्याओं को दूर भगा सकता है सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सभी के घरों में जो है नियमित तौर पर जो है दीपक जलाना चाहिए दीपक आपको सदैव दो जलाने चाहिए एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक दीपक जो है अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार से जलाए जाते हैं देव पूजा में दीपक का बहुत बड़ा महत्व माना गया है सामान्यतः घी या तेल के दीपक जलाने की परंपरा सदैव रही है पूजा के समय दीपक कैसा हो कितनी बाती का होना चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी होता है सही जानकारी ना होने पर आप जब पूजा पाठ करते हैं तो देवताओं की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या या लाभ प्राप्त करने के लिए हमें सदैव नियम से अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जो है जलाना चाहिए अगर आप शत्रु पीड़ा से पीड़ित हैं तब आपको जो है मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के समक्ष जलाना चाहिए क्यों क्योंकि सरसों का जो दीपक है कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं जलाया जाता है सदैव सरसों के तेल का दीपक जो है घर के बाहर या पीपल के वृक्ष के नीचे ही जलाया जाता है क्योंकि शनि देव के लिए दीपक होता है परंतु सरसों के तेल का दीपक कुछ खास वजहों के लिए आप सिर्फ अपने घर पर जला सकते हैं कब जब आप माता रानी या माँ काली के कृपा प्राप्ति चाहते हैं या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ऐसा संकट आ गया हो जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे रहा हो या जीवन या मृत्यु का सवाल आ गया हो आपके जीवन में बहुत कष्ट आ गए हो संकट कोई बहुत भारी आ गया हो उस समय पर आपको जो है 24 घंटे के लिए सरसों के तेल का दीपक माता रानी या माँ काली जो होती हैं उनके समक्ष आपको दीपक जलाना है जिससे कि आपके जीवन में वो जो संकट है टल जाए तथा तो संकट की घड़ी जो है अपने आप आपके जीवन से बिना कुछ कष्ट दिए चली जाए इसके अलावा हमारे धर्म में जो है दीपक जलाने का बहुत महत्व माना जाता है भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए तीन बत्ती वाला दीपक घी का हमें जलाना चाहिए साथ ही साथ हम जब मुकदमे के जीत चाहते हैं या ऐसा कोई कोर्ट कचहरी का मामला जो काफी लंबे समय से अटका हुआ है जो पूरा नहीं हो रहा है तो पंचमुखी दीपक का प्रभाव काफी माना जाता है तब हमें ये जो है जलाना चाहिए इससे क्या होता है आपके जीवन में कोई कितना भी बड़ा मुकदमा हो अपने आप ही जो है वो चला जाता है तथा तो इस दीपक को जलाने के लिए आपको पीली सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सदैव आठ या बारह मुखी दीपक को जलाना चाहिए पीली सरसों के तेल का दीपक जो है प्रज्वलित करने से भगवान शिव की साक्षात जो है आपको प्राप्त होती है परंतु हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तब सदैव जो है यही सजेस्ट किया जाता है तो एक मुखी जो दीपक होता है वही हमें हमारे घर के मंदिर में जलाना चाहिए घी का दीपक जो है वो गाय के घी का दीपक हो तो ही शुभ माना जाता है साथ ही साथ तेल के रूप में हमें जो है सदैव तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए घर के मंदिर में तेल का दीपक जलाने के लिए इसके अलावा हमें कोई और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए हम हमारे घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तब हमें अपने आप ही भगवान की साक्षात कृपा जो दृष्टि है वो प्राप्त तो होने लग जे, लगती है इसके अलावा अगर शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं विरोधी समस्या आपके लिए बहुत बढ़ गई है ऑफिस में आपका जीना बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से बेचैनी बहुत आ गई है आपके जीवन में इस समय पर आप क्या करेंगे दो मुखी दीपक जो कि तिल के तेल का होगा या घी का प्रयोग आप कर सकते हैं आपको भगवान के समक्ष जलाना है दो मुखी दीपक किस प्रकार जलाएंगे एक बाती लेकर आप जो है भगवान के समक्ष जलाएंगे और दूसरा है सिरा जो होगा होगा वो आपकी तरफ होगा। ऐसे दो मुखी दीपक जो है आप इस समय पर जलाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके विरोधी जो समस्या है उसका निदान हो ये दीपक आपको लगातार इक्कीस दिन तक भगवान के समक्ष जलाना है वही तीन मुखी दीपक का भी अपना बहुत महत्व हो होता है संतान प्राप्ति में आपको समस्या आ रही है संतान नहीं हो रही है या संतान के स्वभाव से आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं बिल्कुल नहीं सुनते उनके कारण हमें कई बार पीड़ा का सामना करना पड़ता है संतान की कोई भी समस्या हो या आपको संतान प्राप्ति भी ना हो रही हो इस समय पर तीन मुखी दीपक की महिमा बहुत ज़्यादा मानी जाती है आपको जब भी दुख मिलता है अपनी संतान से तो घी का दीपक तीन मुखी शाम के समय भगवान के सामने हमें जलाना चाहिए इसकी बाती किस प्रकार की होगी तीनों बाती जब आप जलाएंगे तो तीनों बाती भगवान के समक्ष होगी आपकी तरफ कोई भी जलती हुई बाती नहीं आनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है तथा तीन महीने तक लगातार ये दीपक जलाने से कितनी भी बड़ी संतान की समस्या हो संतान दुख दे रही हो संतान आपकी सुनती नहीं हो या प्राप्ति में कोई समस्या आ रही हो उन सभी बातों से जो है आपको छुटकारा प्राप्त होता है चार मुखी दीपक का इस्तेमाल जो है धन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है शाम के समय नियमित तौर पर माता लक्ष्मी के सामने हमें जो है चार मुखी दीपक जलाना चाहिए आप ये दीपक तीन महीने छह महीने या साल भर लगातार जलाकर देखिए आपके जीवन में जितनी भी धन की समस्या उनका निदान होगा साथ ही साथ माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके घर पर पड़ने लगेगी साथ ही साथ कोई भी संकट हो कुछ भी हो तो हमें सदैव जो है दीपक जलाकर भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को कहना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो है उजाला आए आपकी समस्या का निदान बहुत आसानी से हो जाए इसके अलावा मेरे भाइयों और बहनों इष्ट सिद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें जो है दीपक सदैव गहरा और गोल दीपक जो होता है उसका ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दीपक के आकार का भी बहुत महत्व होता है शत्रुनाश आपत्ति निवारण के लिए मध्य में से जो ऊपर उठा हुआ दीपक होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक जो है सामान्य गहरा होना चाहिए हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हमें सदैव त्रिकोणे दीपक का प्रयोग करना चाहिए दीपक सदा मिट्टी का आटे का तांबे चांदी लोहा पीतल स्वर्ण धातु इनमें से किसी भी चीज़ का हो सकता है परंतु जब हम विशेष कार्यों के लिए दीपक जलाते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हमें मूंग, चावल गेहूँ उड़द और ज्वार को जो है सामान्य मात्रा में लेकर इनका आटा बनवाना चाहिए तथा इसी आटे को अपने हाथों से गूँध कर जो है इसका दीपक बनाकर हमें जो है किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी हो धन प्राप्ति करनी हो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना हो तब हमें इस आटे का दीपक जलाना चाहिए जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी साधना के लिए अखंड ज्योत जलाने का विशेष महत्व होता है जो कि शुद्ध गाय के घी का या फिर तिल्ली के तेल का ही होना चाहिए तभी अखंड ज्योत जो है आपकी पूर्ण मानी जाती है इसके अलावा भाई और बहनों अग्निपुराण में वर्णन अग्निपुराण में भी जो है आपको दीपक किस पदार्थ से जलाना चाहिए इसका उल्लेख भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा इस पुराण के अनुसार दीपक को केवल घी या तिल के तेल का ही जलाना चाहिए इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करना अशुभ व वर्जित माना गया है तेल की अधिक महत्व जो है घी को माना गया है शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए तेल से ज्यादा घी को सात्विक माना गया है दोनों ही पदार्थ में से अगर आप केवल एक ही दीपक जलाना चाहते हैं तब आपको सदैव जो है घी का तेल घी का दीपक जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम तेल का दीपक जलाते हैं तो लगभग एक घंटे के लिए ही जो है हमारा वातावरण वातावरण शुद्ध होता है परंतु घी का थोड़ा सा दीपक जलाने से भी आसपास का वातावरण जो है चार गुना और ज्यादा शुद्ध तथा और वातावरण जो है भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो जाता है घी की पवित्रता बहुत ज्यादा मानी गई है ऐसा माना जाता है पवित्र तरंगों के आ, कारण ही जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो हमारे घर पर कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं वो घर में नहीं आ पाती हैं साथ ही साथ हम पर जो है पवित्रता तथा स्वर्ग लोक तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो बनने लगती है इसके अलावा आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में जो है बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आने लगती है तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर में जो है आपको दीपक जरूर जलाना है माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं श्री गणेश की आराधना करना चाहते हैं कोई भी मनोकामना की प्राप्ति चाहते हैं तब आपको दीपक बहुत सहायक होता है आपकी जितनी भी मनोकामना है केवल दीपक ही पूर्ण कर सकता है किस प्रकार जब भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्ति करते हैं तो तीन बाती का अगर आप घी का दीपक जलाकर कोई भी जीवन की मनोकामना कहते हैं तो वो मनोकामना अपने आप पूर्ण होती है विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा आराधना करने से विवाह संबंधित समस्याएं संतान संबंधी समस्याएं कारोबार की समस्याएं विद्या की प्राप्ति होती है समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है राजनीति में उच्चता प्राप्त होती है साथ ही साथ अगर विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा प्राप्ति होती है तो अपने आप माता लक्ष्मी भी सभी विघ्नों को दूर करते हुए आपकी झोली में आने लगती है इसके अलावा अगर शनि देव पीड़ा दे रहे हैं शनि की साढ़े साथी आप पर चल रही है या शनि दोष आपको लगा हुआ है आपको बहुत पीड़ा हो रही है तब आप क्या करेंगे शनिवार के दिन आपको जो है तेल का दीपक जो सरसों के तेल का दीपक होगा आपको लेना है इसमें अपना चेहरा देखना है आप सूरज की रोशनी के नीचे आइए तथा उस दीपक में अपना चेहरा देखिए जो परछाई जब आपको आपके दीपक में दिखने लगे उसके बाद ये दीपक ले जाकर जो है आप शनिदेव के मंदिर में जाकर ये जो है रखकर आ जाइए आप पर सदैव शनि भगवान की कृपा बनेगी साथ ही साथ आपकी जो है जीवन से कष्टों का निवारण होगा अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना को को ना कर पा रहे हो तब आपको क्या करना आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं एक मुखी ही होगा ये दीपक और आपकी जो भी मनोकामना हो वो हनुमान जी से पूर्ण करने के लिए कहें आग्रह करें आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ी मनोकामना होगी वो झट से पूरी हो जाएगी तथा हनुमान जी की कृपा दृष्टि भी आपके जीवन में बनने लगेगी सभी से ये ही कहना चाहूँगी कि गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं आप जीवन में उन्नति प्रगति चाहते हैं अगर आपके घर में आप स्टूडेंट लाइफ भी जी रहे हैं और आपके घर में अगर भगवान की तस्वीर या कोई मूर्ति नहीं भी हो तब भी आपको जो है नियमित तौर पर एक दीपक जो मिट्टी का हो जरूर जलाना चाहिए ताकि आपके घर की नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर चली जाए पॉजिटिविटी आए तथा उसी प्रकाश को देखते हुए आप जो है भगवान का ध्यान करें तभी आपको जो है आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा तथा आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने आप ही होने लगेंगी तो भाइयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों